दीपावली एवं धनतेरस को लेकर यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। 3 बजे के बाद लोहिया चौक से शहर में बड़े वाहन का प्रवेश नहीं होगा, वहां पर 2 पुलिस पदाधिकारी नियुक्त रहेंगे। वहीं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भीड़भाड़ इलाके में अगर 4 पहिया वाहन का प्रवेश होता है तो उन पर MVI एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मिर्जापुर चौक पर भी पुलिस पदाधिकारी की तैनाती होगी, वहीं भीड़भाड़ इलाके में भी हमारे पुलिस बल तैनात रहेंगे। वहीं अतिरिक्त बल की भी व्यवस्था की गई है, संबंधित थाना से भी मदद लिया जाएगा। पूरा क्या व्यवस्था है, क्या लोगों को परेशानी नहीं हो, इस संबंध में इन्होंने दी पूरी जानकारी। इन्होंने क्या कहा सुनिए दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। त्यौहार है धनतेरस के अवसर पर लोहिया चौक से लेकर जो नाका चौक की ओर आती है उसमें 3 बजे के बाद से कमर्शियल व्हीकल का परिचालन बंद किया गया है 10 बजे रात्रि तक, ताकि लोग उस रोड में आराम से आ जा सकें और क्रय विक्रय जो करना है वो सुचारू रूप से कर लें। इसके लिए 2 पदाधिकारी और 4 अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़े, खरीद बिक्री में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, साथ ही वो लोग अपनी सुरक्षा महसूस कर सकें फोर्स को देखकर। इसके अलावा शहर के मुख्य सड़क मिर्जापुर और उसके आसपास भी 2 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, वह 10 बजे रात्रि तक अपने कर्तव्य पर बने रहेंगे, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगे और किसी प्रकार के जाम की समस्या भी उत्पन्न न हो। सर, धनतेरस में शहर में 12-2 बजे तक खरीदारी होती है, बात अगर करें तो हृदय स्थल दरभंगा टावर, मिर्जापुर, सिनेमा रोड, नाका नंबर 6, लहरिया सराय में काफ़ी रात तक लोगों की भीड़ जमी रहती है। देखिए, दरभंगा टावर की ओर प्रतिनियुक्ति अलग से जिला प्रशासन के द्वारा भी की जाएगी, नगर थाना भी अपने स्तर से निगरानी रखेगा, क्योंकि यह मुख्य सड़क है जहां से लोग टावर की ओर चाहे इधर उधर शहर से बाहर निकलते हैं, इसलिए मुख्य सड़क पर जो है वहाँ ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। 4 पहिया वाहन लेके भी लोग शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जाम रहता भी है तो भी 4 पहिया वाहन लेके शहर में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे लोगों को अब क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के विरुद्ध MVI एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।